स्टूडेंट्स, टॉपिक हम कवर कर रहे हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन पर डिपेंड हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ टू एन पी थ्री is equal to 2 multiply n p 4, find n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यदि ये इक्वेशन अगर गिवन है हमारे लिए, तो ये 2n p 3 means आप जानते ही होंगे, क्योंकि हमने परम्यूटेशन के बारे में आपको बताया है। क्या इसका फॉर्मूला होता है एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। देखिए, एन पी आर मीन्स क्या है कि अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उन एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट लेकर हम अरेंजमेंट करें कि उनको कितने टाइप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो वही ये एन पी आर का मतलब है। इसको परम्यूटेशन बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट आर टेक करना कि आर ऑब्जेक्ट हमने एन में से सेलेक्ट की, पी मीन्स परम्यूटेशन। फार्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। देखिए, फैक्टोरियल के बारे में भी आपको बताया गया, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल एन मीन्स है वन से लेकर एन तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। यदि कहा जाए फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसका मतलब होगा कि वन से लेकर थ्री तक जितने भी नंबर होते हैं उन सभी का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा, वन इंटू टू इंटू थ्री मीन्स फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू सिक्स होगी। इस टाइप से आपको सॉल्व करनी है किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू, चूँकि हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। देखिए, यहाँ 2NP3 इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। n के प्लेस पर यहाँ है 2n, r के प्लेस पर है 3। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ 2n सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ r है वहाँ हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ऐसा करने से क्या आएगा वो हम लिखते हैं, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3। सेम फॉर्मूला, सेम प्रोसेस np4 के लिए भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4। देखिए, एन पी आर, यहाँ एन है एन और आर की जगह 4 ये लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। फैक्टोरियल 2n है, यहाँ फैक्टोरियल 2n माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टोरियल 2n है इसको हम एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक, जब तक फैक्टोरियल 2n माइनस 3 नहीं आएगा, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2n माइनस 3। पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन कराया गया था। क्या करते हैं कि 2n फैक्टोरियल की वैल्यू या फैक्टोरियल 2n की वैल्यू क्या होती है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, कहाँ तक, 1 तक, लास्ट में 3, 2, 1। हम क्या करते हैं,
के नीचे डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल है, यहाँ भी फैक्टोरियल है, तो हमें एक फैक्टोरियल कैंसिल करना है। इसलिए जो नंबर छोटा होता है उसके बराबर हम फैक्टोरियल एक्सपेंड कर देते हैं, इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन, के लिए भी हमें एन माइनस फोर तक एक्सपेंड करना है। देखिए क्या आएगा, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस फोर, और यहाँ भी रहेगा फैक्टोरियल एन माइनस फोर। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल दोनों तरफ, क्या रह जाएगा वो हम लिखते हैं। देखिए टू एन, टू एन माइनस वन, यहाँ से देख के लिखते हैं, टू एन माइनस टू है, इसमें से हम टू कॉमन ले लें, रहेगा एन माइनस वन, और ये आ गया, ये आ गया, ये बस यही रहेगा, और ये कैंसिल, इज इक्वल टू, इधर से देखिए ये टू मल्टीप्लाई एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन कैंसिल, ये टू कैंसिल, एन माइनस वन कैंसिल, क्या रहा इधर से देखिए ये टू और टू एन माइनस वन, इस साइड से रहा एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। ओके अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को, कैसे, मल्टीप्लाई टू की फोर एन हो गया, टू की वन में माइनस का टू हो गया, एन की एन में एन स्क्वायर, एन की थ्री की मल्टीप्लाई थ्री एन, माइनस टू की एन से मल्टीप्लाई माइनस का टू एन, माइनस टू की थ्री माइनस थ्री से मल्टीप्लाई सिक्स, माइनस टू की मल्टीप्लाई माइनस थ्री से करते हैं माइनस माइनस का प्लस होता है, ये आप जानते होंगे, टू थ्री सिक्स, इधर ज़ीरो, ये सारी टर्म हम इधर लाएंगे। देखिए एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस टू एन हुआ, माइनस का फाइव एन प्लस का सिक्स, और ये जो दो टर्म हैं वो इधर आकर क्या हो जाएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हुआ सॉल्व होकर इसको, एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस फोर एन माइनस का नाइन एन, सिक्स प्लस टू एट, यानी लाइक टर्म्स हमने क्या किया अरेंज की, और माइनस फाइव एन, जैसे कि माइनस फाइव माइनस फोर माइनस नाइन होता है, वैसे ही माइनस फाइव एन माइनस फोर एन माइनस नाइन एन हुआ, सिक्स प्लस टू एट हुआ। इसके फैक्टर करेंगे अब, देखिए एन स्क्वायर माइनस नाइन एन प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, फैक्टर हुए इसके एट के फैक्टर, माइनस का एट एन माइनस का नाइन एन प्लस का एट, माइनस नाइन एन के लिए हमने इसमें ब्रैक करके लिख लिया, माइनस एट एन माइनस एन कॉमन, इसमें से एन माइनस एट, यहाँ से माइनस वन कॉमन, एन माइनस एट, तो ये ब्रैकेट एक जैसी है तो ये भी कॉमन होगी, तो ये होगा आपका एन माइनस एट, ये देखिए n माइनस एट कॉमन आया, दूसरी ब्रैकेट में रहेगा n माइनस वन। यहाँ से देखिए n माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एट हम इधर ले जाएंगे माइनस का, इधर प्लस हो जाएगा, ऐसे ही ठीक ऐसे ही माइनस वन इधर ले जाएंगे प्लस का वन, n की दो वैल्यू आई, एक एट एक वन, चूँकि वन वैल्यू रॉन्ग आंसर होगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो एन इक्वल टू एट क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों देखिए क्वेश्चन था ये एन पी फोर, तो एन की वैल्यू वन होगी, तो वन में से हम फोर नहीं ले सकते, अगर हमारे पास बस वन ऑब्जेक्ट है, हम कहें इसमें से फोर ऑब्जेक्ट
सेलेक्ट करिए, तो वन छोटा होता है ये आप जानते ही हैं, तो वन में से फोर नहीं टेक कर सकते, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा एट, क्योंकि एट पी फोर होगा तो एट में से एट ऑब्जेक्ट में से हम फोर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ एट टू जो 16 में से थ्री कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है इन जो वन हमारा आंसर आया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एट। ओके देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कि फाइंड 11p4, फॉर्मूला फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 11 माइनस 4, फैक्टोरियल 11 और 11 माइनस 4 कितना होगा 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 फैक्टोरियल का मतलब आप जानते ही हैं कि 11 से लेकर 1 तक की सभी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, 11 इसके बाद आता है 10, फिर 9, मतलब इससे पहले फिर 8 और 8 के से पहले 7, 7 तक ही हम एक्सपेंड करेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना 72 का मल्टी 11 से 2, ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके से किसी भी 11 में से हम 4 ऑब्जेक्ट लेकर क्या बनाए, परमुटेशन, कितने होंगे, इतने अरेंजमेंट होंगे।